नमस्कार आदाब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो दर्शकों, पहुंची है सेहत और ज़िंदगी, सेहत और हिकमत प्रोग्राम की टीम मुंबई। मुंबई में हम मिल रहे हैं उन दर्शकों से जो हमारे फैमिली का हिस्सा हैं, हकीम सुलेमान खान साहब से जो लोग जुड़े हुए हैं, यूनानी ट्रीटमेंट अपनाते हैं, घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, कितना उनको फ़ायदा मिला है, उनकी सेहत का हाल जानने हम उन तक पहुंच रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर पे हो या फिर अपने काम पे हो। तो इसी कड़ी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हैं, तो आज जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो मुंबई की मीरा रोड है। यहाँ पे हमारे जो पेशेंट हैं उनका नाम है फियाज सिद्दीकी साहब, जो कि कार का कवर बनाते हैं। तो उनसे खास बातचीत करने के लिए हम उनकी शॉप पे आ गए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी सेहत का हाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आदाब। थैंक यू। है आपकी उम्र कितनी है, घर में कौन कौन है? मेरी उम्र 44 है। हाँ। मेरे वाइफ है, दो बच्चे हैं जी। काम क्या करते हैं आप? कार का सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अच्छा, हकीम साहब से कैसे जुड़े, किसने हकीम साहब के बारे में बताया? मोबाइल के ऊपर देखा था, नेट पे देखा था। यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं? कितना वक्त हो गया उनसे जुड़े हुए? ये 6 महीना हुआ। 6 महीना। परेशानी क्या थी? चमड़ी का तकलीफ था, चर्म का रोड, चर्म रोड। हाँ, हाँ, क्या हो तो गया? मैंने पी केयर दवा खाया। हाँ। उससे सही हो गया। दवाई कौन सी थी? पी केयर आपने खाई है? 6 महीना। 6 महीने। हाँ। तो बिल्कुल ठीक हो गई है? हाँ, आप परेशान है? हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है, उनकी दवाइयाँ असरदार हैं? हाँ, माशाल्लाह सही हो गया जी। माशाल्लाह सही हो गया। पहले भी कोई ट्रीटमेंट फॉलो किया है आपने? नहीं। आपने इस परेशानी के लिए हकीम साहब से पहले? नहीं, इसका नहीं, तकलीफ चर्म रोग का नहीं किया था। हाँ? मुझे पेट में तकलीफ है, गैस का कब्ज का, उसका किया था। अच्छा। एक्चुअली मैं पेट का ही दवा लिया था, पी केयर। हाँ? तो ये चमड़ी का बीमारी पहले सही हो गया। मैंने उनका टीवी पे देखा था, उनका मैं सुना था। हाँ? वो बोले चमड़ी का भी काम आता है, पेट में भी काम आता है। हाँ? गैस का, कब्ज का। हाँ? और दो चार और बोले तो मुझे ध्यान में नहीं है। तो मैंने दवा लिया जनवरी से। तो जनवरी से लेकर जून तक मैंने खाया, इससे मुझे है ना ये चमड़ी का बीमारी सही हो गया। सही हो गया एकदम। चलिए, अब तो कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, चमड़ी का बीमारी परेशानी नहीं है। तो होता क्या था, मतलब दाग हो गए थे, दाने हो जाते थे? सब चमड़ी काला हो गया था, पूरी काली हो गई, पूरे थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा, तो कितने वक्त तक खाई आपने? 6 महीना दवा, 6 महीने, जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है। हकीम साहब के क्लिनिक के बारे में आपको किसने बताया? यूट्यूब पे देखा मैं, तो मैं दवा मंगवाया। मैंने कैसे मंगवाया? बाद में दिल्ली में फोन किया, सुनिए, फिर दिल्ली वालों से पूछा तो बॉम्बे में दवा भेजा तो बहुत मुश्किल, लंबा है। तो फिर उनसे नंबर आया, बोला कि कोई नज़दीक में है क्या आपके, जो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एजेंसी वाला है। तो उन्होंने नंबर दिया। हाँ। तो फिर मैं उनसे दवा लिया। सर, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम चलाई है जिसमें हम आपसे मुलाकात इसलिए कर रहे हैं जिससे आपकी बात उन तक पहुंचाई जाए। आपको उनकी ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिला है तो आपकी बात दर्शक सुन पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चर्म रोग है, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, आराम नहीं मिल पाता है सर, और आप अपने पूरा पैसा भी लगा देते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि आप ठीक हो गए हैं तो और लोग भी ठीक हो सकते हैं ना, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनको तकलीफ है चर्म रोग का, वो सब पी केयर लें, खाएं, इस्तेमाल करके देखें। जी। शफा देना ऊपर वाला घाट में, मुझे तो सही हो गया। बिल्कुल। परिवार के सदस्य जब आपके इस चर्म रोग को लेके चिंतित तो रहते होंगे, जब आपके ठीक नहीं हो रहा था, अब आपको ठीक वो देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, ये बढ़ता भी है सर, अगर आप वक्त रहते इसका इलाज नहीं कराते हैं ये बढ़ता चला जाता है। आज आपके हाथ में था, पूरे शरीर में हो सकता है। तो परिवार के लोगों का कभी कुछ ऐसा कहना हुआ कि ये कैसे सही हो पाएगा, या आप कभी डरते थे कि ये बढ़ तो नहीं जाएगा? हाँ, मतलब जो आदमी ने बोला था क्या? हाँ, बोलते थे लोग कि ये क्या हो गया है, तो आपको अजीब तो लगता होगा, आपको अंदर से ये एहसास भी होता होगा कि लोग टोक रहे हैं, तो मैं इसको ठीक करूँ। इलाज मिल गए, मतलब नेट पे मैं ट्यूब पे देखा। हाँ। तो मैं दवा लिया पी के, और आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसलिए मैं दवा खाया। मैं हाँ। मैं दवा अंग्रेजी खाता ही नहीं, कभी नहीं। हाँ। कुछ भी हो जाए। हाँ। मैं सिर्फ अंग्रेजी जड़ी बूटी का दवाई खाता हूँ। अच्छा। मैं दवा खाता नहीं, अंग्रेजी कभी नहीं खाता। चलिए ठीक है, हकीम साहब आपको सुन रहे हैं, सबसे पहला इंटरव्यू वो आपका देखेंगे, क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात उन तक अगर आप पहुँचाना चाहते हैं? मुझे उनसे बात करने का, हाँ, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, मैं उनके दवाई से मुझे सही मिल गया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना फियाज सिद्दीकी साहब को, काम छोटा हो बड़ा हो लेकिन उसके लिए आप सभी का सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है,
और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो निरोगी रहे। कोई रोग आपको हो गया है, आप लोग नुस्खे हकीम साहब के अपना रहे हैं, आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप और लोगों की भी ज़रूर मदद कीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको हमसे कॉन्टैक्ट बनाए रखना होगा और आप अपने घर भी हमें आमंत्रित कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, एक और हमारे फैमिली मेंबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।